मेले में आने वाले श्रद्धालु फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में पसंदीदा व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे और इसके लिए यमुना की लहरों पर यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो गया है। इसकी आंतरिक सज्जा तो अद्वितीय है और इसमें लहरों के बीच फाइव स्टार वाले मेन्यू का भी आनंद आप सभी ले सकेंगे। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज, वैसे तो संगम पर लगने वाले माघ मेला, अर्धकुंभ और महाकुंभ की वजह से जाना जाता है, लेकिन प्रयागराज अब पानी में तैरते हुए रेस्टोरेंट्स यानी कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के बारे में भी जाना जाएगा। इसमें एक फाइव स्टार होटल की तरह सुविधाएं होंगी, लेकिन मेन्यू में सिर्फ शाकाहारी डिशेज ही होंगी। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में यमुना नदी की पवित्रता का विशेष ख्याल रखा गया, इसमें कोई भी नशा करने पर रोक रहेगी। ये आपका मेक इन इंडिया है, इस पे बना हुआ है आपका, हमारे पास पैंट्री है और टफन ग्लास का यूज किया गया, जिससे आपका इको फ्रेंडली है, गर्मी में गर्म और ठंडी में ठंडा, इस तरह का ध्यान देके रखा गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की तरफ से बनाए जा रहे इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में 150 लोग एक साथ जा सकते हैं। इस रेस्टोरेंट के साथ गंगा यमुना की लहरों पर इस संगम में घूमने के लिए 6 सीटर स्पीड बोट, 30-30 सीटों वाले कैचामरीन हल्स के साथ ही 2 बचाव नाव है। नाव की मदद से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में 100 से 150 लोग बर्थडे पार्टी या कोई भी एक साथ जश्न मना सकते हैं। इसके अलावा कैचामरीन हल्स में रिमूवेबल चेयर की सुविधा भी है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में खास तरीके की लाइट लगाई जा रही है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करेगी। इसमें 150 की कैपेसिटी है, एक साथ 150 लोग इसमें आ सकते हैं रेस्टोरेंट में, और ये फ्रेश वाटर और वेस्ट वाटर दोनों का ही इसमें प्रोविजन है। आम आदमी के लिए ये जनवरी फर्स्ट वीक से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसको कुंभ के लिए सोचा हुआ है कि कुंभ में ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, जो कि हमारी जनता को बहुत पसंद आएगा। प्रयागराज की यमुना की लहरों पर बने इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को मुंबई की लिटमस कंपनी ने तैयार किया। इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को बनाने में तकरीबन 4 करोड़ रुपए का खर्च आया। इसके अलावा रेस्टोरेंट के रास्ते जाने के लिए स्लिपवे का काम चल रहा है, जिसकी लंबाई तकरीबन 51 मीटर रहेगी। सबसे बड़ी बात ये कि इस रेस्टोरेंट में पकवान तैयार करने वालों की भर्ती कराई गई, जो फाइव स्टार होटल में काम कर चुके हैं। ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज के नए पुल और पुराने पुल के बीच बना है। ये हमारा यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, जो कि आपका फुल्ली एयर कंडीशन है। इसकी खासियत ये है कि ये आपका प्रयागराज की शान न्यू ब्रिज और ओल्ड ब्रिज के सेंटर पे है। इसमें हर एक चीज का ध्यान दिया गया है, प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान दिया गया है। हमारे पास फुल्ली ट्रेंड स्टाफ है, आपका हमारे पास लाइफ जैकेट्स और लाइफ बॉयज का भी इंतजाम रखा गया है। महाकुंभ 2025 की शुरुआत एक साल बाद होगी, लेकिन माघ मेला 2024 में ही लगेगा। इसे मिनी कुंभ के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए महाकुंभ से पहले 2024 माघ मेला में आने वाले लोगों के लिए यमुना नदी पर तैरता यानी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।